नमस्कार मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के बारे में जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस है पहला कि बहुत यूनिक जो है इसका काम करने का तरीका मतलब यूनिक काम और दूसरा बहुत ज़्यादा दाम तो इसके लिए ये फेमस है तो देखिए ये दवा जो है ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलते हैं इसको इसमें तीन आते हैं दवा जो है बहुत कॉमन जो कि है कैमग्लिफ्लोजिन डायपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन आज हम बात करेंगे एम्पाग्लिफ्लोजिन की तो ये सब जो ड्रग्स है ग्लिफ्रोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स इनको हम एस जी एल टी टू इनिवेटर्स भी बोलते हैं अब इनका यूनिक जो काम है वो कैसे ये काम करते हैं जरा हम देखते हैं तो ज़्यादातर एंटीडायबिटिक दवाइयाँ जो हैं पेंक्रियाज़ पे काम करती हैं इंसुलिन का स्टेक्रेश्स जो है कराती हैं जैसे कि सल्फोन यूरिया एग्जाम्पल जैसे कि उसमें ग्लिमीपेराइड आता है ग्लिक्लाजाइड आता है ये ऐसे काम करती है या एंड रिसेप्टर्स बाकी जो सेल्स है उसकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है जैसे कि मेटफॉर्मिन है बट ये डायरेक्टली जो है किडनी पे काम करता है और किडनी में क्या करता है कि जो शुगर का जो एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है शुगर जो है पेशाब के रास्ते से ये बाहर निकलवाता है आप ये बोल सकते हैं कि ये दवा खाने से जो है ज्यादा जो है शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा अब आप खुद बताइए कि अगर पेशाब के रास्ते से शुगर बाहर निकलेगा तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे सबसे पहली चीज साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें होता है अगर पेशाब के रास्ते में शुगर ज्यादा होगा तो फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते में ज्यादा होने का चांसेज रहता है क्योंकि शुगर तो उसके लिए भोजन है इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पीजिए नहीं तो आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है बार बार आपको तकलीफ हो सकती है कि पेशाब जाना पड़ रहा है पेशाब में जलन शुरू हो जाएगा ये हो गया दूसरा है कि अगर शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल रहा है तो साथ में पानी को भी खींचता हुआ बाहर निकलेगा क्योंकि शुगर एक ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो साथ में पानी भी निकलेगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम हो सकता है डिहाइड्रेशन हो सकता है ये सब हो सकता है और एक चीज बोल सकते हैं कि अगर शुगर बाहर निकल रहा है मतलब कैलोरी बाहर निकल रहा है कैलोरी बाहर निकल रहा है मतलब आपका वेट लॉस भी हो सकता है और लास्ट में एक चीज़ कि अगर शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल रहा है तो हो सकता है कभी ज़्यादा शुगर भी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाए और इस केस में हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है शुगर सडन फॉल कर सकता है बट ये बहुत रेयर है अगर तीन चार दवाइयां साथ में और चल रही हैं तो ये चांसेज़ है कि हो सकता है अदरवाइज़ ये ड्रग्स जो है इसके लिए फेमस नहीं है ये जनरली हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो आइडियली इनको दिया जा सकता है सबसे पहला कंडीशन आता है जो कि मैंने पहले ही बताया कि दाम ज़्यादा है तो पहले पेशेंट से आप पूछ लें क्योंकि देखिए डायबिटीज़ की दवाइयां आपको लॉन्ग टर्म खानी है तो अगर पेशेंट खुद ही बोलता है कि हाँ हम खरीद सकते हैं एफोर्ड कर सकते हैं तब ये उनको दवा दिया जा सकता है दूसरा है कि अगर उनका किडनी फंक्शन अच्छा है किडनी का क्रिएटिनिन अगर हम देखते हैं कि लेवल जो है अगर के में किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर क्रिएटिनिन लेवल डेढ़ से अगर कम है प्रेफेबली वन से अगर कम है तो उनको दिया जा सकता है और तीसरा है कि अगर बहुत सारे मेडिसिन अगर हम उनको दिए हैं शुगर की दवाइयाँ चल रही है फिर भी कंट्रोल नहीं है जैसे कि आप देखिए ग्लीमीपेराइड भी चल रहा है मेटफॉर्मिन भी चल रहा है कोई ग्लिप्टिन जैसे कि टेल्ली ग्लिप्टिन सीटाग्लिप्टिन जेनोभिया जो नाम चाहते हैं ये भी चल रहा है साथ में आप देख रहे हैं कि वोग्लिबोज एक कारबोज ये भी चल रहा है बट स्टिल शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो हम सोच सकते हैं इस ये ज़्यादा आइडियली इसको हम दे सकते हैं और भी अगर एक कंडीशंस है कि अगर आपको लगता है कि अब पेशेंट्स का जो है ये ओरल टैबलेट्स जो है एंटी डायबिटिक अब ये अच्छा काम नहीं कर रहा है अब हमको लगता है कि इंसुलिन देना है इंसुलिन पर लाना होगा पेशेंट्स को तो उस कंडीशंस में भी इसको आप इनिशिएट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे पर्टिकुलर मैंने जो देखा है और मैंने लिटरेचर्स में भी दिया है मैंने देखा है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और जो है काफ़ी अच्छा जो है शुगर कंट्रोल करता है कब इसे लेंगे तो लेने का टाइमिंग पर्टिकुलरली अगर हम बोले कि मॉर्निंग आवर्स में लीजिए क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि हमने इसके मोड ऑफ एक्शन में बताया कि ये पानी ज़्यादा निकलता है शुगर निकलता है तो हो सकता है पेशाब ज़्यादा हो तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में लें नहीं तो रात को आप लेंगे तो बार बार उठना पड़ेगा और खाने से पहले ले कि खाने के बाद में तो इसका कोई रिलेशन नहीं है खाने से पहले भी ले सकते हैं बाद में भी बट एक टाइम फिक्स करें और उसी टाइम में डेली लें नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके जो है ब्रांड्स क्या क्या है तो देखिए अभी तक जो है जनरली इसके जो है दो ही ब्रांड जो है यहाँ मार्केट्स में अवेलेबल हैं पहला तो है एक जार्डियंस नाम से आता है और दूसरा है गिप्टोलियो नाम से आता है जार्डियंस 10 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम का और गिप्टोलियो भी 10 मिलीग्राम और 25 फाइव मिलीग्राम्स का आता है और ये दवाइयाँ कॉम्बिनेशनस में भी अवेलेबल है जैसे कि एम्पा के साथ जो है मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशनस या इम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ लीना ग्लिफिन का कॉम्बिनेशन ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं इसके भी नाम में दिया हूँ ये आप देख लें नेक्स्ट आते हैं कि इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं या लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में फुल्ली कॉन्ट्राइंडेटेड है और एक कंडीशन है जहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है वन पॉइंट खासकर मतलब मोर और लेस अगर 1.5, 1.5 से अगर ऊपर है क्रिटनिन तो बेटर है कि इसको हम नहीं देते हैं अवॉइड करते हैं इम्पाग्लिफ्लोजन को नहीं देते हैं मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच थैंक